ऑल राइट, हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रिवीजन कर लिया। रिवीजन के बाद यहाँ पर हम एक सवाल शुरू करते हैं, जीटा पीएलसी। जीटा पीएलसी इज बेसिकली एन आईसीडब्ल्यू क्वेश्चन। आईसीडब्ल्यू से मैंने क्वेश्चन लिया है, बजाहिर ये क्वेश्चन एक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स दो हैं। तो हम इसके अंदर दो चीजें देखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखो उसको। यहाँ पे जिन लोगों को लग रहा है सर ये एक सवाल नहीं है, हो सकता है हमें असर का ब्रेक बीच में करना पड़े, एक पार्ट करने के बाद दूसरा पार्ट हम शायद ब्रेक के बाद करें, हमें शायद हो सकता है असर का ब्रेक बीच में करना पड़े। एनालाइज एंड इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पहले यहाँ पे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, रिक्वायरमेंट वन। दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन हाउ अ न्यू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डेटा एनालिटिक्स कुड इंक्रीज रेवेन्यू एंड इंप्रूव द लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द जीटा ब्रांड। सर ये तो अभी हमने रिवाइज नहीं किया, मैं आपको करवाऊंगा रिवाइज, तो मस्ते वाली बात ही नहीं है। हो सकता है हम एक रिक्वायरमेंट करें, फिर उसके बाद ये रिवीजन करें, रिवीजन के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट करें, या फिर इसी के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा के ये सवाल जो है वो करवाना शुरू कर दूं, ठीक है? तो डू नॉट कंसीडर दिस एज वन क्वेश्चन, हम ये दो सवाल कर रहे हैं। इसी तरीके से इसके बाद वाला सवाल हम करेंगे वो मैंने एमएससी 2 से पिक किया है, क्योंकि वो रिलेवेंट पार्ट है। वहां पे हम चार सवाल करेंगे, तो आज की वर्कशॉप में हमारे बजाय दो क्वेश्चन नहीं होंगे, छह क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम अलग अलग किस्म के क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो हैंडल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? तो आए इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि सवाल में यहाँ पे एक बेसिक बैकग्राउंड रीड करूंगा, फिर आपकी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, कुछ बताया हुआ है, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाली रिक्वायरमेंट, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ हम पार्ट वन सॉल्व करेंगे, इधर बाकायदा हम कैलकुलेशन करेंगे और सारा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद इधर रिक्वायरमेंट टू की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग वाली, ये रिक्वायरमेंट टू की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इधर हम रिक्वायरमेंट टू सॉल्व करेंगे इस शीट के ऊपर, ठीक है? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे पूरे सवाल का बेसिकली यहाँ पे जो है वो दे दिया कि क्या क्या इस सवाल के अंदर इंक्लूडेड है और किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। एक रिक्वायरमेंट हो सकता है हम नमाज से पहले करें, दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकता है हम नमाज के बाद करें, ठीक है? वहां इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा और फिर आपको इसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा कि इसे किस तरह से लिखना था, कैसे एनालाइज करना था। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ सिचुएशन को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे उसको रीड करने की जरूरत है, ठीक है? हाँ जी, एमी अहमद आर रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट हैप्पी। क्या हुआ जी, घर पे लड़ाई हो गई? शी वॉन्ट्स चेंजेस टू बी मेड एज सून एज पॉसिबल एंड शी वॉन्ट्स अ डिपार्टमेंट टू सेट आउट अ प्लान फॉर चेंज। सर घर पे लड़ाई नहीं हुई है, डिपार्टमेंट से नाखुश है, अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट से नाखुश है। साइमन स्मिथ द हेड ऑफ जीटा पीएलसी, जीटा पीएलसी कंपनी का नाम है। Strategy and marketing department was speaking at a planning meeting with you. Zeta PLC is a UK-based company which sells high-quality अच्छा जी यहाँ पे कहते हैं Zeta PLC UK-based company है which sells high-quality sports equipment for golf and skiing. Simon's department is responsible for developing new strategies and for evaluating and delivering digital marketing operations. You are an ICW chartered accountant who has recently joined Zeta working for Simon. Simon continued, I realize that you are new to Zeta. Now I have provided some background notes about the company in Exhibit 1. हमारे पास देखो यहाँ Exhibit 1 है, इस Exhibit 1 के अंदर company की हमें background information दी हुई है सारी की सारी, ठीक है? ये background information हमें यहाँ पे समझनी है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर टू में कहते हैं, सॉरी पैराग्राफ, उसके बाद वाले पैराग्राफ में कहते हैं, एज यू नो एमी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड रिव्यू ऑफ जीटा स्ट्रेटेजिक पोजीशन डायरेक्शन, सम की कैलकुलेशंस हैव बीन रीच्ड। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ एमीज रिव्यू इज एज फॉलोज, प्रॉफिट हैज बीन फॉलिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर मार्केट्स एंड आवर कस्टमर्स बेटर टू मेक गुड मार्केटिंग डिसीजंस। दो मसले आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप एनालाइज करो, अच्छे से रीड किया करो सवाल, बहुत अच्छे से। Problem number 1, profit is falling. पहला मसला यहाँ पे ये है कि हमारी जो प्रॉफिट है वो गिर रही है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। खुद ही उसका रीजन भी बता रही है, क्या रीजन बता रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर मार्केट्स एंड आवर कस्टमर्स बेटर टू मेक गुड मार्केटिंग डिसीजंस। रीजन क्या बता रही है इसके लिए? सर इसी का रीजन है इनइफेक्टिव मार्केटिंग।
अपने कस्टमर्स को इन्होंने सही से समझा नहीं है, इनइफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। टेक्निकली ये रीजन है, इससे भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती क्योंकि सेल्स नहीं आ रही होती, और भी रीजंस होंगे, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलिंग प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ जीटा ब्रांड इज इन डिक्लाइन एंड वी नीड टू रिवाइज दिस ट्रेंड। ब्रांड वैल्यू भी इनकी डिक्लाइन कर रही है। एमी हैज आस्क्ड हर डिपार्टमेंट टू एस्टैब्लिश व्हाई प्रॉफिट हैज बीन फॉलिंग एंड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज दैट विल रिवर्स दिस डिक्लाइन, ठीक है। दूसरे में कहते हैं आई प्रोवाइडेड यू विद सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एग्जिबिट टू। ये देखो यहाँ एग्जिबिट टू आ रहा है, ये बताया हुआ है इन्होंने, इसको हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो एनालाइज करेंगे। आगे कहते हैं आई हैव ऑल्सो सेट आउट नोट्स ऑन इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस ऑफ द वे वी आर यूजिंग आवर एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड हाउ कैन दिस बी लिंक्ड विद आवर न्यू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ये इन्होंने एग्जिबिट नंबर थ्री में बताया है, तो एग्जिबिट नंबर थ्री मतलब यहाँ पर आके हम एग्जिबिट नंबर थ्री में इसको देखेंगे, ठीक है। तो बजायद बैकग्राउंड है कि सवाल दो है, बैकग्राउंड एक ही है, सवाल दो है। ऐसे सवाल इफेक्टिव होते हैं थोड़े से वर्कशॉप वगैरह के परस्पेक्टिव से, ज्यादा चीजें हम इसके अंदर जो है वो कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये वाले सवाल को जो है वो यहाँ पे पिक किया, ठीक है। चले जी, अब थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लें क्या है। सर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में कहते हैं जीटा इज अ लॉन्ग हिस्ट्री हैविंग बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1922। बहुत ही लॉन्ग जो है हिस्ट्री ब्रांड है। एज ए रिटेलर ऑफ गोल्फ इक्विपमेंट, ये क्या बेचते हैं? गोल्फ का इक्विपमेंट बेचता है। अब मुझे बताओ, सारे लोगों ने लिख के बताना है, अमूमन गोल्फ खेलने वाली आवाम कैसी होती है? टारगेट मार्केट कस्टमर, उसने कहा ना मैं अपने कस्टमर को समझने की जरूरत है। आप बताओ, आपसे पूछता हूं, हाई एंड, इलीट, रिच, अपर क्लास, थोड़ा और डीप डाइव करो। सिर्फ इलीट होना काफी है? ओल्ड एज सर, बुढ़े वैसे ये बात कोई लाजमी नहीं है, बट इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन, इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन कि थोड़ा सा एटलीस्ट, चलो बुढ़ा नहीं तो 40+, 30 से 40 साल की उम्र में आपको कोई खेलते हुए नहीं नजर आएगा। ये ऐसा ही है सर, 40+, 45+, 50+, ये लोग जो है वो इसमें खेलने वाले जो है वो नजर आते हैं। इलीट क्लास नजर आती है, नंबर वन जो है वो नजर आते हैं ये खेलते हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नंबर वन भी खेलते हैं। नहीं यार, प्रेसिडेंट्स आपको नहीं लाओ बीच में, उनका आपको नहीं पता है अभी। ये थोड़ी सी इलीट क्लास, थोड़ी सी बिजनेस क्लास, थोड़ी सी बूढ़ी क्लास, अपर क्लास, ये चीजें जो है वो ये खेलती है। थोड़ा टारगेट मार्केट को हमने एनालाइज करी। इट नाउ सेल्स गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग फॉर गोल्फ एंड स्काइंग। अच्छा, ये स्कीइंग भी करवाते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड अंडर जीटाज ओन ब्रांडिंग। Zeta has made many operational changes over the years, but it has retained a policy of having high quality products and good customer service. हाँ भाई, कंपनी किसमें फॉल कर रही है? हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है और गुड कस्टमर सर्विस है कंपनी की। अगर मैं स्ट्रेटेजिक क्लॉक पे देखूं तो कंपनी स्ट्रेटेजिक क्लॉक पे कहाँ होनी चाहिए आपके अंदाजे से? एक बहुत स्पेसिफिक नीश है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं और डिफरेंसिएशन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सही सर, डिफरेंसिएशन, फोकस, फोकस्ड डिफरेंसिएशन, ये वाली बात यहाँ पे आ सकती है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल जीटा प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लोकेटेड इन यूरोप एंड द यूएस और फ्रॉम क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स इन एशिया। जितने भी जीटा के प्रोडक्ट्स हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से जो कि यूरोप में है और क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स से जो कि एशिया में है। मेनी प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड ओवर यूके एक्सक्लूसिवली अग्रीमेंट्स under exclusive agreements, so Zeta may be a supplier's only UK retailer for the period of the exclusivity agreement. जाहिर है खुद तो बना नहीं रहे, ठीक है ना, खुद तो नहीं बना रहे, परचेज किससे कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं, फ्रॉम क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। क्यों? कंपनी क्या चीज बेच रही थी? सर कंपनी यहाँ पे गुड क्वालिटी क्लोथिंग बेच रही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बेच रही है और क्लोथिंग भी बेच रही है फॉर गोल्फ एंड स्काइंग। तो कंपनी अगर देखा जाए तो दो प्रोडक्ट्स, एक है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और दूसरा है क्लोथिंग, दो चीजें हैं। किनको बेच रही है, सामने कौन है? सर सामने दो तरीके की टारगेट मार्केट्स हैं, कौन कौन सी? एक गोल्फ, ये दो चीजें आती हैं पर खुद बनाती नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स किए हैं ताकि वो और किसी को ना सप्लाई करे, ओनली रिटेलर इनकी ये खुद के बने में, ठीक है, ब्रांडिंग।
All products are sold under the brand name of Zeta itself. However, a number of Zeta suppliers also sell to other customers using their own well-known brand names. Over many years, the Zeta brand has been perceived as traditional and upmarket, being identified with good quality products and good service. Customer ye baat janta hai ki inki quality bhi achhi hai aur inke products bhi achhe hain. Customer janta hai ye baat. However, recent market research shows that the brand is perceived as delivering below average value to customers for the sports retail sector. Customer surveys also show that the perception of quality has declined. Ab inka survey ye bata raha hai ki aapki quality jo hai wo yahan pe decline hone lagi. Ek perception logo ka ye ban raha hai ki bhai aap jo hai wo below average products dete hain. Value to customers. Sales are made in the UK through two distribution channels. Two channels se sales ki jati. A chain of 10 retail shops owned by Zeta and online sales through Zeta's website. To do cheeze ho gayi sir. Offline through what? Retail shops. Jaise Khadi ki hain, jaise J dot ki hain, theek hai? Online sales through Zeta's website. Ye online hai. सर आप खाडी और जे डॉट की वेबसाइट देखें, वहां भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वहां भी पड़े हैं. Zeta does not sell to third party retailers as it wishes to protect the brand by controlling the level of service provided to customers with each sale. वो ये चाहते हैं कि भाई जब कस्टमर हमारी शॉप में आए तो कस्टमर का जो शॉप एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होना चाहिए. मुझे बताओ इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर क्या कस्टमर दुकान पे आता होगा या ऑनलाइन भी ले सकता है? हाँ जी, मिसाल के तौर पे मुझे एक बैट खरीदना है, क्रिकेट बैट, या मुझे कोई जो है वो नी बैट खरीदना है, या मैं कोई जो है वो मिसाल के तौर पे बॉलिंग का कोई इक्विपमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? जाके उस प्रोडक्ट को पहले फील, उसका लुक, उसका एक्सपीरियंस देखने की कोशिश करूंगा या मैं ऑनलाइन ले लूंगा? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, क्लॉथ अभी भी ऑनलाइन लिया जा सकता है, लेकिन इक्विपमेंट पहली बार आपका दिल करेगा, पहली बार कि मैं थोड़ा उसका एक्सपीरियंस ले लूं, और फिर उसके बाद अगर मुझे वो प्रोडक्ट रिपीटेडली चाहिए तो मैं ऑनलाइन मंगवा सकता हूँ. यानी ये बात ये सही कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा दुकान पर. कंपनी बात सही कर रही है, कस्टमर आएगा दुकान पर. ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी बोले नहीं मुझे दुकान की जरूरत ही नहीं, कस्टमर आएगा. तो ये बात यहाँ पर ये सही कर रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी रिटेलर है वो क्या करेगा, वो लेवल ऑफ सर्विस को गिरा देगा. तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये लेवल ऑफ सर्विस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं. ऑल Zeta स्टोर्स सेल इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग फॉर बोथ स्काइंग एंड गोल्फ. द प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोर स्पेस फॉर ईच स्पोर्ट वेरीज बिटवीन स्टोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर. कस्टमर्स आर एडवाइज्ड बाय Zeta स्टाफ विद नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट स्पोर्ट. ठीक है. कस्टमर्स आर मोस्टली हाई अर्नर्स ओवर 35 ईयर्स ओल्ड. ये हम पहले ही सोच चुके थे. अबाउट 70% ऑफ कस्टमर्स फॉर गोल्फ प्रोडक्ट्स एंड अबाउट 52% ऑफ स्काइंग प्रोडक्ट्स आर मेल. ज्यादातर ये मेल गेम्स हैं. इनकी जो मेजर टारगेट मार्केट है वो मैस्कुलाइन है, यानी कि मेल कस्टमर्स हैं इनके साथ. हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है. तो ये कंपनी का एक बेसिक बैकग्राउंड हो गया कि जी दो प्रोडक्ट्स बेचती है, यूके में बेचती है, खुद नहीं बनाती, इंपोर्ट करवाती है, इंपोर्ट करके जो है वो सारा काम करने की कोशिश करती है. गोल्फ से तकरीबन इनका जो कस्टमर बेस है मेल का वो 70% है, 52% मेल जो है वो स्काइंग के अंदर है. गोल्फ और इन दोनों की रिटेल आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स के ऊपर दोनों को स्पेस अलोकेट हुई भी होती है. जब कस्टमर्स आते हैं तो वो अपनी डेडिकेटेड स्पेसेस के अंदर जो है वो परचेसिंग करते हैं. ठीक है, इस तरह से मिला के हमारे पास ये कंपनी का बैकग्राउंड आ गया. बहुत अच्छे से हमने इसको एनालाइज किया और यहाँ पे कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई. ठीक है, अब ये क्या दिया है इन्होंने, अब इन्होंने हमें समरी ऑफ ग्रोस प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 30th September दे दिया. इसमें इन्होंने बताया रेवेन्यू स्टोर्स का कितना है और ऑनलाइन का कितना है. ठीक है, स्टोर के थ्रू, ऑफलाइन, ऑनलाइन के थ्रू कितना आ रहा है. ठीक है, सेल्स बताई हुई है 2017 गोल्फ की और 2018 स्काइंग और गोल्फ दोनों की. अब 18 का गोल्फ देखो 13,700 से, 17 में 15,700 था, उससे 13,700 गिर गई सेल्स. ऑनलाइन की देखो 4,300 से 4,900 थोड़ी सी बढ़ गई. ऑफलाइन में स्काइंग देखो 8,500 से 8,600 फ्लैट, नो ग्रोथ. 2800 से 3700 अच्छी ग्रोथ, तकरीबन 20-25% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही. फिर आपके पास जीपी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं. The selling price per item is the same for sales through stores and online. Online हो या store हो, selling price same है. Cost of sales per item is the same for sales through online and stores. Cost of sales comprises the cost of purchasing product for sale. ठीक है.
अब ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी हुई है, हमेशा देखा करो कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। सर रिक्वायरमेंट में कहते हैं एनालाइज एंड इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसको इसको समझें, एनालाइज करें और देखें कंपनी क्या कर रही है, सही कर रही है गलत कर रही है। इवैल्यूएट का मतलब गुड और बैड, व्हाट शुड द कंपनी डू, ठीक है। इंक्लूड एन एनालिसिस जीटास टू प्रोडक्ट लाइन गर्लफ्रेंड, इसको अलग अलग करके बताना है, दोनों के सेल्स चैनल अलग अलग बताने। अब नीचे तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात हो रही है। तो भाई अब ये पीएनएल आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने है, मैंने आपको मुकम्मल तौर पे इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब जितनी कैलकुलेशन समझ में आती है, जो रेशियो समझ आते हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। कितनी देर दूं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट्स वुड बी इनफ, 5-15 हो रहे हैं, 10-12 मिनट दूं आपको सॉल्व करने के लिए। चलो आप लोग ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 10 to 12 मिनट्स, फिर मैं उसके बाद का सोल्यूशन जो है आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा। बेशक गलत लिखो लेकिन लिखो, बेशक गलत कैलकुलेट करो लेकिन करो, बेशक गलत सोचो लेकिन सोचो, करने की कोशिश करो, फिर मैं सोल्यूशन करवाऊंगा, उसे मैच कर लेना कि आप सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। भाई मैं तो सोच रहा था कि अगर तुम लोग ये कर लेते हो, सवाल सॉल्व कर लेते हो, तो 5:30 बजे हम इसको डिस्कस करके 5:45 बजे मैं असर की ब्रेक दे देता हूँ। ज्यादातर टाइम जो है वो 5:45 का है जमात का टाइम, 10 मिनट लगेंगे, 10-12 मिनट हमें इसको डिस्कस करने में, 5:45 बजे असर का ब्रेक ले लो तरीके से, ठीक है ना। 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करो, 5:25, 5:26 तक मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूँ, फिर 5:45 असर का प्रॉपर ब्रेक ले लेना, ठीक है। जल्दी से सॉल्यूशन स्टार्ट करो।
चलें जी, शुड आई कंटिन्यू डूइंग नाउ? चलें 5 मिनट और, चलो मैं करता हूँ, आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप लेके चल रहे थे। टाइम नहीं है ना, फिर असर की नमाज का ब्रेक भी करना है। सर पहले तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं सारे अपने पास, टाइप कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव गॉट रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम स्टोर्स एंड ऑनलाइन, ये इसका टोटल आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट। हम पहले यहां पे कर लेते हैं मिला के गोल्फ का, नहीं पहले स्काइंग का कर लेते हैं। यहां पे कर लेते हैं हम गोल्फ का और इधर हम कर लेते हैं टोटल। ये आ जाता है 2018 और यहाँ आ जाता है 2017। नंबर्स प्लेस कर लेते हैं। सर 2018 स्काइंग के नंबर्स ये रहे 8600, ठीक है, 3700 दोनों का टोटल, और यहाँ पे है 8856 और यहाँ है 3444। यहाँ पे आ गया हमारा टोटल, क्या आ गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। जस्काइन का अगर 2017 का नंबर देखें तो 8500, 2800 यहाँ पे 7910, ठीक है, सो 3390, ठीक है। अब आ जाओ गोल्फ की तरफ। गोल्फ की अगर हम बात करें सर, तो गोल्फ का 2018 का नंबर क्या है, 13700, 4900, 14508, 4092। और 2017 का अगर हम यही नंबर देखें तो 15700, 4300 और यहाँ पे 15000, 5000, 4092, 3390 और 3444, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको टोटल, स्काइंग और गोल्फ के दोनों के 2018 के नंबर को टोटल कर लें, यहाँ भी टोटल कर लेते हैं और इधर भी टोटल कर लेते हैं। ये हमारा सॉर्ट ऑफ यहाँ पे टोटल का टैब बन गया, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो गए, ये दोनों यहाँ पे ऐड, स्काइंग और गोल्फ मिला के और ये मिला के। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, ये पहले सिंपल चेंज कैलकुलेट कर लो फिर यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट। टोटलिटी पे फर्क क्या आया है सर? टोटल टोटल अगर देखें 2018 से तकरीबन 8% का डिक्लाइन मेरा यहां पर आया है, 21% यहां पर, ओवरऑल लेवल पे सर मुझे ये नजर आ रहा है कि चेंज के पर्सपेक्टिव से, चेंज के पर्सपेक्टिव से मेरा रेवेन्यू अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो गिर चुका है, रेवेन्यू अच्छा खासा मैं यहाँ पे जो है वो अपना गिरा चुका हूँ। मेरे रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टोर्स से 8% का डिक्लाइन आ रहा है टोटैलिटी पे,
लेकिन अगर टोटल रेवेन्यू टर्म्स में देखें तो टोटल रेवेन्यू सर मेरे 30,900 और यहाँ 31,300, यानी कि कोई खास ग्रोथ इधर टोटल रेवेन्यू के अंदर जो है वो नहीं आ रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर देखें तो 2% से बड़ी है। ओवरऑल मेरा जीपी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यहाँ पे 10% से गिर चुका है। सर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। सर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा सिंपल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी डिवाइड बाय रेवेन्यू। इस दफा मैंने तकरीबन 24% का जीपी अचीव किया 18 में टोटलिटी पे, क्योंकि देखो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। टोटलिटी पे मेरा जो जीपी है वो 24% है इस दफा, पिछली बार 27% था। इधर तकरीबन मेरा डिक्लाइन आ चुका है 3%, 3% का तकरीबन मेरे पास यहाँ पे, या 2% का तकरीबन मेरे पास यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन आ चुका है 2.4% से, 24.4 और 26.8, 2.4% का मुझे यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल हसनैन कहते हैं सर वी कैन ऑल्सो मेक एनालिसिस ऑफ स्टोर्स एंड ऑनलाइन बाय अप्लाइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू, राइट। हाँ वो कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम है तो जीपी को अगर टोटलिटी पे एनालाइज कर लोगे तो भी रिजल्ट तुम्हारा सेम ही आ जाएगा। देखो ये कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर आइटम ऑनलाइन स्टोर दोनों में सेम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर आइटम ऑनलाइन सेल्स दोनों में सेम है, तो दोनों का जीपी क्या होगा? सेम ही होगा, जीपी बिल्कुल सेम होगा। तो जीपी को आप टोटल पे एनालाइज कर सकते हो। कंपनी का रेवेन्यू ऑल इन ऑल अगर देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 1% से डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जो ज्यादा बड़ा डिक्लाइन आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो स्टोर्स में आ रहा है, और ऑनलाइन में बिजनेस लेवल पे 21% की हमें यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, 21% की ग्रोथ नजर आ रही है, जिससे हमें एक इंसाइट मिल रही है कि हाँ कंपनी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। जो स्टोर नहीं आ रहे वो तो ऑनलाइन आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑनलाइन में ग्रोथ, इसके अलावा भी ऑनलाइन में ग्रोथ है। स्टोर में समझो 8% लोग नहीं आए तो वो ऑनलाइन में आ गए, 21% में से आप 8% अगर निकाल दो तो कितना बच जाता है? सर तकरीबन कोई 13-14% की ग्रोथ यहाँ पर हमारी जो है वो ऑनलाइन में एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी 2% से बढ़ी है, लेकिन उसके सामने मैं अपना रेवेन्यू शायद उस तरह से इंक्रीज नहीं कर पाया, रेवेन्यू मेरा 1% से मजीद डिक्लाइन हुआ है, तो उसकी वजह से मेरा ऑल इन ऑल जो जीपी है वो 3% या 2.5% से तकरीबन यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है। तो एक बेसिक एनालिसिस सबसे पहले हमने ये वाला कर लिया, आए इसको लिख लेते हैं। नंबर वन पॉइंट टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज डिक्लाइनिंग दैट मीन्स द कस्टमर फीडबैक is actually not good, customer feedback actually आपका अच्छा नहीं, हाँ but however interest is more shifted towards online, hence very good website and online purchasing experience can further strengthen the sales. अब देखो मैंने यहां पर recommend नहीं किया है भाई, ये recommendation नहीं है, it's just an insight, ये मेरी evaluation है, मेरा अंदाजा है कि अगर उनका एक बेहतर प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन का तो शायद उनकी सेल्स मजीद बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करें, आई एम नॉट रेकमेंडिंग दैट द कंपनी शुड डू। अगर वेबसाइट की डिटेल भी होती और मुझे रिक्वायरमेंट में कहा होता कि रेकमेंड करो तो मैं रेकमेंड करता, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं अपनी इवैल्यूएशन दे रहा हूँ कि आपके कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऑनलाइन के अंदर और ऑनलाइन में ओवरऑल आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चीज देखनी चाहिए। प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग
increased by 2%, probably on account of the local currency depreciation. कंपनी इंपोर्ट करती है ना, कंपनी सारा का सारा इंपोर्ट करती है, तो हो सकता है कि आपकी करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से शायद आपके पास यहाँ पे जो है वो एक एक मामला ये वाला जो है वो नजर आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स सिंस ऑल प्रोडक्ट्स हैव बीन इंपोर्टेड. बिल्कुल सही कहा. खान कहते हैं सर कस्टमर प्रेफरेंस चेंज में भी यंगर पीपल इज इंटरेस्टेड मोर इन गोल्फ. देखो ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा, यंग या ओल्ड की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई और हमें बताया भी नहीं गया. हाँ, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो नहीं आ रहा कंपनी के पास, वो नहीं आ रहा, तभी आपकी सेल्स में डिक्लाइन है और ओवरऑल आप मार्केट के मजीद शेयर भी जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ले नहीं रहे हो, नए लोगों को नए कस्टमर्स को नहीं ला पा रहे हो, तभी आपकी सेल्स यहाँ पे डिक्लाइन कर गई. ये बात तो यहाँ पे फैक्चुअली नजर भी आ रही है कि कंपनी की सेल्स कम हो गई है. ये देखो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी डिक्लाइन फेज में और स्टोर से तो ज्यादा डिक्लाइन आ रहा है. ठीक है, स्टोर से ज्यादा डिक्लाइन आ रहा है. करेंसी रिस्क की हेजिंग कंपनी यहाँ पे कर सकती है, कंसिडर करेंसी रिस्क हेजिंग. इसका आप एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई. प्लस स्टोर्स का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो रहा है 8% से, रिलेटिवली जो स्टोर्स के ओवरहेड्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ऑनलाइन. ओवरहेड्स ऑफ स्टोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द ऑनलाइन स्ट्रीम. Hence, the analysis could be further segmented and produce better insights. यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार जो ओवरहेड्स होंगे वो स्टोर में ज्यादा होंगे, ऑनलाइन में कम होंगे. कैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों की सेम हो सकती है? ऑनलाइन में तो कॉस्ट बहुत कम होती है, आपको एक फिजिकल स्टोर चलाना ही नहीं होता, तो आप उसमें तो और प्राइस कम कर सकते हो और कम प्राइस करके एक बेहतर चीज जो है वो यहाँ पे हासिल की जा सकती है. लेकिन बहरहाल अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह से है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये इसको थोड़ा बाइफिकेट करें तो ये और अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे जो है वो एनालाइज कर पाएंगे. ठीक है, अब एक दो चीजें हम और एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे. सर वो क्या एनालाइज कर सकते हैं? टोटल रेवेन्यू में कॉम्पोजिशन देखो और इंडिविजुअल ग्रोथ देखो यहां पे कितनी आ रही. स्काइंग का भी चेंज निकालो और गोल्फ का भी चेंज निकालो. सर इधर भी चेंज निकाला जा सकता है. का चेंज है सर हमारे पास यहाँ पे, इन सब जगह पे चेंजेस निकाले जा सकते हैं. ये रेशियोज जीपी के सब जगह पे कंप्यूट किए जा सकते हैं. अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें और थोड़ा सा इनडेप्थ एनालिसिस मिल गया, स्काइंग का अलग और गोल्फ का अलग. सर पेपर में भी हम सॉल्यूशन में ऐसी पैटर्न में रेशियोज निकालते हैं. हाँ, वर्किंग और सॉल्यूशन, बेशक आप वर्किंग नोट्स नीचे रख दें, W1 W2 पॉइंट्स ऊपर लिख दें, पॉइंट्स ऊपर लिख दें. सर वाई वी आर एडवाइजिंग द हेजिंग ऑफ FC इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज एनालाइज एंड एवेल्युएट. आप यहाँ पे ये ना लिखें कि कंपनी शुड डू इट, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हेजिंग स्ट्रेटजीज मे बी कंसिडर्ड, दे मे कंसिडर कर सकते हैं. एक रिकमेंडेशन की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, और आप इवेल्युएट कर लो कि भाई रिस्क हेजिंग कुड बी कंसिडर्ड ओवर हियर, कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर. नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे आपके, इसमें मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे. सही. अच्छा, अब देखो हमने यहाँ पे चेंज परसेंटेज निकाला. अब हम स्काइंग को एक्चुअली अलग से जो है एनालाइज करते हैं. दोनों के स्टोर में ग्रोथ ज्यादा है,
लेकिन स्काइंग वाले की ऑनलाइन स्टोर्स में मजीद ग्रोथ है, और जो मेजर डिक्लाइन आ रहा है ना स्टोर के रेवेन्यू में, वो गोल्फ की तरफ से आ रहा है। जो मेजर डिक्लाइन आ रहा है वो गोल्फ की तरफ से आ रहा है एंड सेम फॉर स्काइंग। हाँ हम ये लिख रहे हैं बिल्कुल। अब ये देखो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ये रेस किया जा सकता है कि सर जो आपका ऑनलाइन की तरफ जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा बेहतर जो है वो स्काइंग के प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो कंपनी वहां कंसिडर कर सकती है कि इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस और मजबूत करे बढ़ाए। हाँ यही ग्रोथ गोल्फ में भी है, लेकिन स्टोर का रेवेन्यू गोल्फ का ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, तो कंपनी में लुक फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो यहाँ पे शायद गोल्फ के स्टोर वाले एरिया के अंदर हो रही है, जो बाकी स्टाफ शायद यहाँ पे कंपनी का समझ नहीं पा रहे, ठीक है ना, बाकी समझ नहीं पा रहा। तो एक पॉइंट तो ये वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, में बाकी पॉइंट्स भी आप लोगों के लेता हूँ। डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम स्टोर्स इज मेनली कमिंग फ्रॉम गोल्फ। द कंपनी मे लुक फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ओवर हियर, हमें नहीं पता वो इशू क्या है, हम रेकमेंड भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं देख सकते हैं। सेल्स फ्रॉम स्टोर्स ऑफ स्काइंग इज ऑल्सो फ्लैट इफ नॉट डिक्रीजिंग, यहां पर भी कोई इंक्रीज नहीं है, इफ नॉट डिक्रीजिंग। एंड इंटरेस्ट फ्रॉम ऑनलाइन बोथ ऑफ द कैटेगरीज, ऑनलाइन का इंटरेस्ट यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहा है तो कंपनी इसको बेहतर कर सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है, इंटरेस्ट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑनलाइन फॉर बोथ कैटेगरीज, दोनों कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन में आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो बहरहाल बढ़ता चला जा रहा है, दोनों कैटेगरीज में इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। जीपी वाइज अगर तुम एनालाइज करो, जीपी वाइज तो सर ग्रोस प्रॉफिट इसका 28% है, 30% यहाँ 22% है। जीपी वाइज आपका जो स्काइंग है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रेवेन्यू कॉम्पोजिशन अगर तुम देखोगे, रेवेन्यू कॉम्पोजिशन तो वो किसका ज्यादा है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। रेवेन्यू कॉम्पोजिशन ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे स्काइंग का, और यहाँ निकाल बल्कि हेडिंग हमने डाली है, रेवेन्यू कॉम्पोजिशन देख लें सर। 2018 में 8,600 की सेल्स थी मेरी स्काइंग की, और 2018 की ही जो टोटल सेल्स हैं वो है 22,300, ठीक है। तकरीबन 39% मेरा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, स्काइंग से आ रहा है। 2017 के अंदर अगर हम यही चीज देखें सर, तो 2017 में 35% आ रहा था, यानी प्रोपोर्शन मेरे स्काइंग का इंप्रूव हुआ है। गोल्फ का अगर पर्सपेक्टिव देखें इसी तरीके से, मैं टोटल से डिवाइड कर देता हूँ, ऑनलाइन और स्टोर मिलाकर देख लेते हैं, 40% ये चीज, 35% यहाँ भी टोटल से डिवाइड कर लें, 60% और ये 64%। जो आपका ओवरऑल रेवेन्यू कंपोजिशन का शेयर है वो भी गोल्फ का नीचे आ रहा है, वो ज़ाहिर है स्टोर्स की जो सेल्स है उसकी जो डी ग्रोथ आ रही है, डिक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से प्राइमरीली उसी की वजह से आ रहा है, जो स्टोर्स की आपकी सेल्स है वो कम हुई है 64%। जीपी ज्यादा बेहतर स्काइंग का है, लेकिन रेवेन्यू कंपोजिशन के अंदर जो आपकी मेजर सेल्स हैं, बड़ी सेल्स हैं, वो गोल्फ की तरफ से हैं। तो ये भी एनालाइज करके एक पॉइंट यहाँ पे लिखा जा सकता है, जीपी और रेवेन्यू कंपोजिशन दोनों के पर्सपेक्टिव से। जीपी फॉर स्काइंग इज बेटर देन गोल्फ। इंडिविजुअल ऑनलाइन और स्टोर्स का जीपी निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट और वो कह रहे हैं सेल प्राइस सेम है दोनों। गोल्फ प्रोडक्ट्स हाउएवर इन द टोटल प्रोडक्ट मिक्स शेयर ऑफ गोल्फ मेजर and higher than skying due to the decline
ऑफ सेल्स फ्रॉम स्टोर्स ऑफ गोल्फ शेयर इन द ओवरऑल सेल्स हैज ऑल्सो डिक्लाइंड बाय 4%. या कह रहे हो शिफ्टेड टू स्काइंग बाय 4%. ठीक है, ये हमने मोटे मोटे पॉइंट्स इनको एनालाइज करके दे दिए. एटलीस्ट हमारी इस कमेंट्री से, एटलीस्ट हमारे इस लिखे हुए जुबलों से पढ़ने वाले को, अगर वो कंपनी का मालिक होगा, कंपनी का ओनर होगा, उसको बेसिक बेसिक बातें समझ में आएंगी. अच्छा देखो ये प्रॉब्लम एरिया है, अच्छा देखो ये इशू है, ये पॉइंट है जो यहाँ पे हमें देखना है, इसको हमें फोकस करना है. एनालिसिस का मकसद यही होता है कि आप सामने वाले को डायरेक्शन दे दो कि उसको सोचना किस बात पे है. ठीक है, यासीन कहते हैं सर स्टोर की सेल में ये पॉइंट एनालाइज नहीं कर सकते, ओनली सेलिंग इट्स ऑनलाइन स्टोर एंड माइट बी रिमोट लोकेशंस. सेल में ये पॉइंट नहीं, देखो है तो ऑनलाइन से भी सेल आ रही है और स्टोर से भी आ रही है, ऐसा नहीं है स्टोर से बिल्कुल नहीं आ रही. और हम रिकमेंडेशन कंपनी को ही नहीं दे सकते कि स्टोर बंद कर दो, स्टोर आते हैं लोग प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, ये हमने पहले बात की थी यहाँ. 100% बंद नहीं कर सकते, सेल्स वहां से आ भी रही है. गुल कहते हैं सर प्रॉफिट मार्जिन 25% नाउ 22, डिक्लाइन ऑफ 3%, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है. स्काइंग वाज 30% नाउ 28, डिक्लाइन ऑफ 2% प्रॉफिट. वो देखो वो प्राइमरीली इसलिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी कम हुई है, सॉरी बढ़ गई है. कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने के बाद वो अपनी प्राइस को इतना नहीं बढ़ा पाए, अपनी प्राइस को इतना यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पाए. अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, एक और चीज देखो, इसके जीपी में ना आपको डिक्लाइन नजर आएगा 2%, इसके जीपी में नजर आएगा 3% का, लेकिन इनके कॉस्ट ऑफ सेल्स का इंक्रीज देखो, इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का इंक्रीज है 12% का. अब 2% से जीपी गिर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब आपने रेवेन्यू के अंदर 14% ग्रोथ अचीव की है. वो कहाँ अचीव की है? वो सर हमने ऑनलाइन में अचीव की है, तो वो ऑनलाइन हम 12 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. इधर 3% का जीपी में डिक्लाइन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और कम हुई है, गोल्फ के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स और कम हुई है, 3% से नीचे आई है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके जीपी में डिक्लाइन आ रहा है. इसका मतलब इनका रेवेन्यू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और रेवेन्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सर इसका जो 13% डिक्लाइन है और फिर रेवेन्यू में 7% डिक्लाइन है, इसी की वजह से ये सारा मसला जो है वो क्रिएट हो रहा है, वरना इसका जीपी इंप्रूव हो जाता, जीपी कुड हैव इंप्रूव्ड ओवर देयर. हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अगर आप चीज देखो तो स्काइंग की इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से प्राइमरीली इसके जीपी ने 2% की यहाँ पे हिट ली है. कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ स्काइंग हैज इंक्रीज्ड बाय 2%, थस ऑफसेटिंग द इंक्रीज इन जीपी फ्रॉम रेवेन्यू. नेट डिक्लाइन ये 12% है, इन जीपी परसेंट बाय 2%, 2% से नेट पे डिक्लाइन हुआ है. आपकी 12% से कॉस्ट पड़ी है, आपने रेवेन्यू भी इंक्रीज किया है, लेकिन नेट पे आपका जीपी यहां पे डिक्लाइन कर गया. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गोल्फ प्रोडक्ट्स has actually decreased, but still the GP has decreased due to decrease or degrowth in revenue. रेवेन्यू आपका जो है वो इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, टोटैलिटी में रेवेन्यू ही गिर गया है. अगर रेवेन्यू संभाल लिया होता तो बहरहाल यहाँ पे ये पॉइंट इतना मसला नहीं बनता, इतना कोई इशू यहाँ पे जो है वो नहीं बनता. ठीक है सर, प्रॉफिटेबल स्टोर्स रखना और नॉट सो प्रॉफिटेबल स्टोर्स बंद करना ये नहीं कह सकते. यार हमें रिकमेंड नहीं करना ना, हमें रिकमेंड करना ही नहीं, उसने मांगा ही नहीं है. रिकमेंडेशन मांगी होती तो डिटेल और भी देता. बिलाल कहते हैं सर स्काइंग इज मेनली प्लेड बाय यंग पीपल एंड दे हैव मोर इंटरेक्शन. हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो, बिल्कुल एक्सेलेंट. जो आपकी ये जो इसकी वाला स्पोर्ट है ये ज्यादा यंग पीपल जो है इसकी तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए ऑनलाइन में भी ज्यादा इंटरेस्ट है और सेल्स में भी इसका जो है इंक्रीज आ रहा है.
ऑल्सो एनालाइज करेंगे किस एरिया से ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, ज्यादा वहां स्टोर खोलने हैं, रेकमेंड नहीं करना है, रेकमेंड करना होता तो वायरल हम यहाँ पे रेकमेंडेशन दे देते। ये बात हम कह सकते हैं कि स्काइंग इज रिलेटिवली यंग प्ले, तो वहां पर यंग कस्टमर्स का इंटरेस्ट शायद इंक्रीज हो रहा है और वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा होता है, प्लेड बाय यंग पीपल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इन ऑनलाइन परचेजिंग ज्यादा होगा। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है, जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से भाई मोटे मोटे पॉइंट्स देके हमने उनको एनालाइज करने में हेल्प कर दी है। अब उनकी मर्जी है वो स्टोर्स खोलते हैं नहीं खोलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे मजीद डिटेल होती, मजीद चीजें बताई हुई होती तो हम रिकमेंडेशन भी बड़ी अच्छी कर सकते थे, कोई इसी मसले वाली बात नहीं है। तो उसने एनालाइज करने का, इवेल्युएट करने का हमें रिक्वायरमेंट में कहा था, हमने एनालाइज भी कर दिया और हमने यहाँ पे इवेल्युएट भी कर दिया चीज को। थोड़ा बहुत जहां हमें लग रहा था कि कंपनी कोई चीज देख सकती है, कंसिडर कर सकती है, वहां हमने कंसिडर के वर्ड इस्तेमाल किए, रिकमेंड नहीं किया है कि ऐसा करो, हमने कंसिडर करवाने की बात की है कि ठीक है यार ये कंसिडर यहाँ पे किया जा सकता है। सर जो मेल फीमेल का रेशियो दी, नहीं ये तो मार्केट गेम है, मतलब आपके जो लोग हैं वो अगर मेल डोमिनेंस है किसी स्पोर्ट के अंदर तो कंपनी उसके लिए क्या करेगी, कंपनी ज्यादा मेल डोमिनेटेड एड्स बना दे, उस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रख दे, वो मार्केटिंग वाले आंसर के अंदर जो है वो देखेंगे। गुल में इसका सजेस्टेड आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप पे, डिटेल है वो। फिलहाल हम असर की नमाज का जो है वो ब्रेक करते हैं, कितनी देर में आ जाओगे? ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, इसका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया, दूसरे पार्ट में हम इसको मार्केटिंग वाली साइड को देखते हैं।